नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं चारों धामों में तीसरा धाम, जिसका नाम है श्री द्वारकाधीश धाम, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित है, उसके बारे में जानकारी। तो आज हम बात करेंगे द्वारकाधीश धाम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो श्री द्वारकाधीश धाम। दोस्तों, श्री द्वारकाधीश धाम गुजरात के जामनगर जिले में गोमती नदी के तट पर द्वारका शहर में स्थित है। यह मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है। इसे जगत मंदिर अर्थात ब्रह्मांड मंदिर या रणछोड़ राय मंदिर भी कहते हैं, और यही स्थान गोमती द्वारका भी कहलाता है। चारों धामों में इस धाम का तीसरा नंबर है। ये स्थान तीसरे धाम के रूप में जाना जाता है। पहला धाम श्री बद्रीनाथ धाम, दूसरा धाम श्री रामेश्वर धाम और तीसरा धाम श्री द्वारकाधीश धाम। तो दोस्तों, यह है तीसरा धाम, सनातन संस्कृति के चार प्रमुख धामों में से तीसरा स्थान श्री द्वारकाधीश धाम। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश रूप की इस मंदिर में पूजा होती है, और इसलिए इस मंदिर को श्री द्वारकाधीश धाम कहा जाता है, क्योंकि द्वारका वो प्राचीन नगरी है जो कि भगवान कृष्ण की नगरी थी और भगवान कृष्ण यहाँ के राजा थे। दोस्तों, इस धाम का स्थापत्य काल द्वापर युग माना गया है, और दोस्तों ये स्थान सनातन धर्म की मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। मतलब सात वो शहर, वो स्थान जहाँ जाने से, जहाँ की यात्रा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसमें से एक ये स्थान है। दोस्तों, इतिहासकारों के द्वारा इस मंदिर को 2500 साल पुराना होने के साक्ष्य प्रमाणित माने गए हैं, लेकिन ये मंदिर उससे भी कई हजार साल पुराना है। श्री द्वारका नगरी श्री कृष्ण की नगरी है, जिसे उन्होंने कंस वध के बाद विश्वकर्मा से बनवाया था। इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों, कि कंस के वध के बाद जरासंघ ने कंस की हत्या का बदला लेने के लिए भगवान कृष्ण के ऊपर लगातार आक्रमण किए, यादवों पर लगातार आक्रमण करने शुरू कर दिए। तब भगवान कृष्ण ने ये फैसला किया कि यादवों की रक्षा के लिए उन्हें मथुरा छोड़ देनी चाहिए। तब उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि हमारे लिए एक नई नगरी का निर्माण कीजिए। तब विश्वकर्मा ने एक रात के अंदर इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था, गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र के किनारे, और रातों रात भगवान कृष्ण सभी यादवों को लेकर वहां से द्वारका चले गए थे और फिर वहां शासन करने लगे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब नगरी समुद्र में समा गई थी, तब बाद में भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लगभग 8वीं शताब्दी में धर्मगुरु शंकराचार्य भी इस मंदिर के विस्तार और निर्माण में व्यापक योगदान दे चुके हैं। इसके भी ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण हैं। मंदिर के आसपास की संरचनाओं का निर्माण मित्रों 16वीं शताब्दी में तथा नवीनीकरण 19वीं शताब्दी में भी हुआ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये धाम उनके 108 पवित्र धामों में से एक भी माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु के 108 पवित्र धाम हैं इस धरती पर, उनमें से एक ये भी है। और दोस्तों, मान्यता ये भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए यहाँ से, इस लोक से, तो उनकी ये नगरी डूब गई, और लेकिन ये जो मुख्य मंदिर है ये नहीं डूबा, ये बचा रहा तो किनारे पर, इसीलिए समुद्र के किनारे पर ये मंदिर स्थित है और ये मंदिर उसी समय से बचा हुआ है। समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण और दूसरे कारणों से ये मंदिर क्षतिग्रस्त भी हुआ, क्योंकि हजारों साल पुराना है, तो मंदिर का पुनर्निर्माण बार बार करवाया गया। कुछ साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एसिनोग्राफी ने समुद्र में समाई इस प्राचीन द्वारका नगरी को खोज निकाला। उनकी इस खोज के बाद ये प्रमाणित हुआ कि ये द्वारका नगरी समुद्र में समाई हुई है, और वो कि बहुत बहुत प्राचीन है, हजारों साल पुरानी है। पहले लोग इसको कुछ लोग इसको एक सिर्फ कहानी मानते थे, उनको लगता था कि ये झूठ है कि द्वारका नगरी पानी के अंदर है, लेकिन जब कुछ साल पहले ये पता लगा कि सचमुच पानी के अंदर दीवारें, मंदिर, मूर्तियां हैं, तब लोगों को यकीन हुआ कि हाँ सचमुच ये द्वारका नगरी थी। तो क्योंकि सनातनी हमेशा से जानते थे कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी मंदिर में समाई थी, दूसरे लोगों को ये यकीन नहीं था, ये विश्वास नहीं था, अब उनको भी विश्वास हो गया है कि द्वारका नगरी समुद्र के अंदर समाई हुई है, जिसके किनारे पर ये मंदिर आज खड़ा है। वो प्राचीन नगरी थी जो समुद्र में समा गई, और अब ये नई नगरी है द्वारका नगरी, जो कि इस समय हम देखते हैं गुजरात के पश्चिमी तट पर गोमती नदी के किनारे। दोस्तों, अद्भुत है ये द्वारकाधीश मंदिर,
चूने पत्थर से बना हुआ ये मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग 157 मीटर है, ये मंदिर 72 स्तंभों पर खड़ा है और ये मंदिर 5 मंजिला है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं का चित्रण है और मंदिर के अंदर बहुत ही साधारण और सौम्य वातावरण है और सौम्य चित्रकारी है, तो बहुत ही सुंदर शांत वातावरण मंदिर के अंदर लगता है। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं, दक्षिण द्वार और उत्तर द्वार। दक्षिण द्वार को स्वर्ग कहा जाता है तथा तीर्थयात्री आमतौर पर इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। उत्तर के द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है और ये द्वार गोमती नदी के 56 तटों की ओर जाता है। दोस्तों, मंदिर में ही श्री द्वारकाधीश जी की श्याम वर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। ये मूर्ति अलौकिक, अनुपम व अत्यंत सुंदर है। बहुमूल्य अलंकरणों तथा सुंदर वेशभूषा से सजी यह प्रतिमा हर किसी का मन मोह लेती है। प्रभु की इस प्रतिमा का मोह इतना आकर्षक है कि उनसे दृष्टि ही नहीं हटती। उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना लोग करते हैं और उनको एकटक देखते हैं और उनका मन ही नहीं भरता, उनकी नजर ही नहीं हटती इस मूर्ति से। इतनी अनुपम अद्भुत मूर्ति है ये। मंदिर का शिखर 43 मीटर ऊंचा है, जिस पर एक ध्वज लगा है और इस ध्वज पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है, जिसे 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, इस ध्वजा को दिन में 5 बार बदलने की प्रथा है और इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ यहाँ का माहौल अत्यंत आध्यात्मिक और उत्सवी हो जाता है। इतना अच्छा लगता है ढोल नगाड़ों के साथ जब ये ध्वजा बदली जाती है, तो लोगों को बहुत आनंद आता है उस पर। मंदिर के दक्षिण में भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसमें राजा बलि तथा सनकादि चारों कुमारों की मूर्तियों के साथ गरुड़ जी की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर के उत्तर में प्रद्युम्न जी की प्रतिमा और उनके साथ ही अनिरुद्ध व बलदेव जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। दोस्तों, मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। मंदिर के पूर्वी घेरे के भीतर ही मंदिर का भंडार है और उसके दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ भी है। ये शारदा मठ जगत गुरु शंकराचार्य ने ही स्थापित किया था 8वीं सदी में। मंदिर के उत्तरी मोक्ष द्वार के निकट ही कुशेश्वर शिव मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी रहती है। तो द्वारकाधीश धाम के दर्शन के बाद लोग कुशेश्वर शिवलिंग की दर्शन जरूर करते हैं और उसके बाद उनकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक खुलता है। दोपहर के समय कुछ घंटों के लिए मंदिर बंद होता है और उसके बाद फिर खुल जाता है। तो पहले तो यही इसका समय सारणी थी, लेकिन आजकल COVID-19 चल रहा है तो उसके कारण इसके समय में बदलाव किया गया है। अब ये मंदिर कुछ कुछ समय के लिए दिन में लगभग 8 बार खुलता है और ये जब ये खुलता है तो इसे झांकी कहते हैं और दर्शकों और श्रद्धालुओं का बड़ा मन होता है कि उस समय जब उनका पट खुले मंदिर के तो वो उनके सामने खड़े हों और उनके दर्शन कर सकें, तो इसे झांकी दर्शन भी कहते हैं। और दोस्तों, संध्या के समय अरब सागर में सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनोहर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। दोस्तों, संध्या के समय श्री द्वारकाधीश धाम के निकट समुद्र तट पर टहलना अत्यंत ही मनोहारी है, अत्यंत ही सुकून शांति देने वाला पल होता है। तो अगर आपको कभी मौका मिले जिंदगी में श्री द्वारकाधीश जाने का, तो जरूर जाइए और इस धाम की यात्रा अवश्य कीजिए। सनातन संस्कृति के 4 धामों में तीसरा स्थान श्री द्वारकाधीश धाम। आस्था का केंद्र, मोक्ष का द्वार, श्रद्धा का केंद्र तथा आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है यह मंदिर। ये मंदिर अद्भुत है, एक बार जीवन में इसकी यात्रा अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक ये मंदिर आज भी खड़ा है। हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात द्वारकाधीश धाम के रूप के दर्शन इस मंदिर में होते हैं। तो अपनी आत्मा को तृप्त कीजिए, एक बार इस मंदिर की यात्रा अवश्य कीजिए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और साथ ही साथ मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखना मत भूलिए। इसमें आ रहे हैं भारत के महान व्यक्तित्व जो आपको पता होने चाहिए। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं तक। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।